जो आईटी कंपनीज हैं नैसडेक में जो है वो ऊपर से 75-75 70-70% तक करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन हम नहीं उतने हुए करेक्ट। हमारा तो मेरे ख्याल में TCS 4500 का बाईबैक उन्होंने ऑफर किया था, हम लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और अभी भी 3200 3000 के आसपास ट्रेड करते रहते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि वहाँ उतनी बड़ी गिरावट हुई और हमारा वहाँ से बिजनेस आता और लोग इतनी कटौती कर चुके हैं, तो थोड़ा और करेक्शन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं SIP वाली। सुदीप सर, ये स्ट्रेटजी SIP वाली रहनी चाहिए, डिप बाई करना चाहिए? देखिए, यूएस में जो गिरावट आया है उसके दो चार कारण है, और आप एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब यूएस में एक प्रॉब्लम आता है या यूरोप में प्रॉब्लम आता है तो वहां के कंपनीज अपना कॉस्ट कम करना चाहते हैं। और इंडियन आईटी कंपनीज का शुरुआत कहाँ से हुआ, जब यूएस और यूरोप ने डिसाइड किया कि कॉस्ट कम करने के लिए आउटसोर्सिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया लो कॉस्ट बेस है और इंडिया से काम कराएंगे ताकि उनका कॉस्ट कम हो। तो एक तरह से तो अगर आप देखेंगे तो जब यूएस में या यूरोप में प्रॉब्लम आता है तो आउटसोर्सिंग या कॉस्ट रिडक्शन का जरूरत और भी ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि जब कॉस्ट रिडक्शन की जरूरत हो तो इंडियन आईटी कंपनीज का हालत खराब होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बिजनेस जो अनअवॉइडेबल बिजनेस है, जो कि अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल बिजनेस है, वो शायद नहीं देंगे। पर जो बिजनेस रेगुलर बिजनेस है, जो जहाँ पे कॉस्ट कटिंग का अपॉर्चुनिटी है, वो इंक्रीमेंटल बिजनेस भी इंडियन कंपनीज को आ सकता है। तो ऐसा माहौल में कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं कह रहा था पहले भी कि ध्यान देना पड़ेगा कंपनी स्पेसिफिक। एक वी कांट पेंट विद वन ब्रश ऑल द कंपनीज। कुछ इसमें से अलग तरीके के कंपनीज है जिनके सर्विस एसेंशियल है, जिनका सर्विस का डिमांड और भी बढ़ेगा कॉस्ट कटिंग के माहौल में, उस पर ध्यान देना। अच्छा, इसी से जुड़े हम दूसरे टॉपिक में एंटर कर जाते हैं। आईटी भी तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है। एक ये ना कि फिल्म का डायलॉग था कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। उसे मंदी से इतना डर नहीं लग रहा जितना मंदी की बातों से डर लग रहा है। बिल्कुल यूएस के तीन बड़े बैंकर, मंदी आने वाली है, 2023 में आएगी आएगी अब